कंट्रोवर्सी बहुत बार। एक्चुअली बचपन से हमको फौज में जाना था, और फौज वालों के लिए ये सब मायने नहीं रखता, उसको करना है मतलब करना है, तुम सामने कुछ भी रहो, डजंट मैटर। गाली देते लोग गांधी को, अरे साहब चरखे से आजादी नहीं आई। बिल्कुल आजादी तो युद्ध से आई, मैं मानता हूँ, पर चरखे से आया क्या? जागृति, अवेयरनेस, अवेकनिंग। आजादी के लिए तो कितने लोग शहीद हुए, कभी सोचा ऐसे एंगल से गांधी को? चरखे से क्या आया? अवेयरनेस। चरखे से क्या आया? अवेकनिंग। नहीं तो लोग कैसे जान देते और किसके लिए देते? तो भगत सिंह और गांधी अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ने जगाया, एक ने सैक्रिफाइस दिया, तब ये आजादी। कि ये जो आपने कहा ना कि अपने डिसीजन पे स्टिक कैसे रहे, ये कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको अपने डिसीजंस को चेंज करना होता है। जैसे आपने चार लोगों से डिस्कस किया, कोई इंसान कुछ पॉजिटिव बोल रहा है, कोई नेगेटिव बोल रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डिपेंड ये करता है कि वो जो बोल रहा है उसका बेसिस क्या है, क्या वो किसी नॉलेज या एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा है या ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है। ऐसे ही बोल रहा है तो फिर उसकी बात पे ध्यान क्यों दे रहे हैं? अगर किसी नॉलेज या एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा है, फिर चाहे वो पॉजिटिव बोल रहा है चाहे नेगेटिव बोल रहा है, दोनों ही मायने रखता है। उसके बाद में रिसर्च करनी है, और फिर रिसर्च करने के बाद में फाइनल डिसीजन अपना खुद का होना चाहिए। अब वो डिसीजन उससे अलग भी हो सकता है जो आपने पहले लिया था, और वो सेम भी हो सकता है। अब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं, तो कम से कम चीजों को अपने ऊपर खर्च कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने में खर्च कीजिए। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए, तब राजा। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है, तू अपने बनाए इस पिजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। माँ बाप से लड़ाई नहीं करना है, माँ बाप के विरोध में नहीं जाना है, जाना ही। कहते काली टी शर्ट अच्छी नहीं, फाड़ दो, क्योंकि दुनिया में तुम्हारी बदतमीजियों के साथ अगर तुम्हें कोई प्यार करेगा तो वो सिर्फ तुम्हारे माँ बाप है, बाकी सब तुम्हें भगा देंगे।